वेलकम बैक टू द वीडियोस। तो गाइस यहां पे मेरे पास HP कंपनी के लैपटॉप्स HP 15S EQ2143AU मॉडल का ये लैपटॉप्स है, और ये लैपटॉप्स अपने 40,000 के रेंज में आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप हो सकते हैं, क्योंकि इस लैपटॉप्स के अंदर में आप लाइक कोडिंग्स, मल्टीटास्किंग वर्क, ऑफिस वर्क, गेमिंग्स, वीडियो एडिटिंग्स और भी बहुत सारी चीज़ें इस लैपटॉप्स के साथ आराम से आप इसमें कर पाएंगे, क्योंकि ये लैपटॉप्स काफ़ी मतलब कम बजट्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे प्रेफर कर रहा है, और ये लैपटॉप्स के अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल पाएंगे, और ये जैसे कि लैपटॉप वेट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसके फटाफट इस लैपटॉप्स के हम अनबॉक्सिंग करते हैं एंड इसके फुल रिव्यू स्पेसिफिकेशन वगैरह के आपके साथ शेयर करते हैं। गाइस तो यहाँ पे मैं इस लैपटॉप्स के लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे लुक्स वाइज तो मुझे काफ़ी पसंद पड़ा, और ये जो कि सिल्वर कलर का लैपटॉप से है तो यहाँ पे डिजाइन वाइज भी यहाँ पे कह सकते हैं ठीक है, क्योंकि ये जो गेमिंग डिज़ाइन नहीं किया गया, क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है तो ये गेमिंग की तरह डिजाइन भी नहीं किया गया, तो ये जो कि आपको गेमिंग करा सकता है, लेकिन हाँ ये जो कि आपको ऑफिस टाइप्स के लिए एक लुक्स वाइज काफ़ी प्रोफेशनल लैपटॉप्स लग रहा है मुझे, और इसमें जो बेजल्स आपको जो कि देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा आपको बेजल्स आपको देखने को यहाँ पे ना मिलेगा, कम ही आपको बेजल्स यहाँ पे आपको मिल रहा है। बाकी यहाँ पे लुक्स और डिजाइन्स के मामले में ये लैपटॉप तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन हम इसकी आगे बात करें इसके डिस्प्ले फीचर्स में, तो यहाँ पर डिस्प्ले फीचर्स में अगर हम डिस्प्ले साइज़ की इस लैपटॉप की बात करें तो यहाँ पर जो इसका डिस्प्ले साइज़ है वो जो कि 15.6 इंचेस का FHD 1920x1080 pixels एंटी ग्लेयर्स वाला डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिला है, जिसको आप सनलाइट में यूज़ करेंगे ना तो काफ़ी आपको मतलब ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएंगे सनलाइट में इस लैपटॉप को यूज़ करने में, क्योंकि जो भी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होते हैं ना वो जो कि आपको सनलाइट्स में प्रोटेक्ट करते हैं, और उस पर जो कि आपका वार्स लाइट नहीं जा पाता है आपके स्किन पे, और आपको ज़्यादा आउट ऑफ डोर में लैपटॉप को यूज़ करने में काफ़ी अच्छा आपको फील मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ब्राइटनेस नीड्स काफ़ी आपको क्लियर देखने को मिल जाते हैं, तो डिस्प्ले के मामले में ओवरऑल ठीक ठाक है। और उसके बाद हम बात करें इसके पोर्ट्स एंड स्लॉट फीचर्स की, तो यहाँ पे ऑल नेसेसरी पोर्ट्स एंड स्लॉट फीचर मिल जाएंगे, जिसमें आपको टाइप सी का सपोर्ट्स, टाइप ए का सपोर्ट्स, HDMI का सपोर्ट्स, मीडिया कार्ड स्लॉट्स, यानी ऑल नेसेसरी जो भी पोर्ट्स एंड स्लॉट्स आपको चाहिए वो सारे यहाँ पे अवेलेबल किया गया है, तो इसमें आपको पोर्ट्स एंड स्लॉट फीचर्स के मामले में कोई ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर बात करें इसके लैपटॉप्स के कीबोर्ड फीचर्स की, तो यहाँ पे फुल साइज नेचुरल सिल्वर कीबोर्ड है विथ न्यूमेरिकल की के साथ, तो इसमें कीबोर्ड भी आपको फुल साइज़ का यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा है। और बात करें इसके अगर हम बैटरी की, तो यहाँ पे जो इसका बैटरी है वो जो कि अप टू 7 आवर्स आराम से चल पाएगा, अगर आप एक बार फुल चार्ज कर लेते हैं तो इस लैपटॉप को आराम से आप 7 आवर्स तक आराम से इसको चल पाएंगे, लेकिन आप मैक्सिमम अगर ज़्यादा हैवी यूज़ करेंगे तो 6 to 7 आवर्स के अप्रॉक्स आप यहाँ पर जा पाएंगे। अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट यानी विंडोज़ 11 होम का ही ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मिल रहा है, और इसमें जो प्रोसेसर दे रहा है वो AMD का Ryzen 3 5300U का यहाँ पे चिपसेट दिया गया है, जो कि काफ़ी लेटेस्ट वाला ही यहाँ पे Ryzen 3 प्रोसेसर लाया गया है, और इसमें जो कोर है वो जो कि 4 कोर्स दिया गया, और इसमें 8 थ्रेड्स प्रोवाइड कर रहा है, और इसमें जो कैसे है वो जो कि 4MB के कैसे लगाया गया, तो कैसे के मामले में थोड़ा सा कम है, लेकिन कोर और थ्रेड्स वो काफ़ी मतलब ज़बरदस्त यहाँ पे दिया गया, तो प्रोसेसर के मामले में ठीक है। और हम बात करें इसके रैम की, तो यहाँ पे जो इसमें 8GB का DDR4 का रैम मिल रहा है, और इसमें जो स्टोरेज है वो जो कि 512GB का SSD स्टोरेज यहाँ पे मिल रहा है, और इसमें ग्राफिक्स है वो इंटीग्रेटेड Radeon Vega 8 के ग्राफिक्स ही मिल रहा है। तो ओवरऑल बात की जाए प्रोसेसर परफॉर्मेंस फीचर्स की, तो यहाँ पे जो कि काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट हुआ है, क्योंकि इसमें आपको प्रोसेसर भी काफ़ी लेटेस्ट वाला ही Ryzen 3 15
300U का है और इसमें रैम भी अच्छा है, 8GB रैम है, 512GB SSD है। तो यहाँ पे काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर परफॉर्मेंस फीचर में आपको देखने में पाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद तो गेमिंग तो टेस्ट बनता है कि क्या यहाँ पे गेमिंग हैंडल कर पाएगा, क्योंकि 8GB रैम है, 512GB SSD है और यहाँ पे 4 कोर से 8 थ्रेड से एंड राइजन 353U का प्रोसेसर भी है, तो गेमिंग तो टेस्ट बनता है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा गेमिंग हम करते हैं और इसके देखते हैं क्या यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस हमको देखने को देता है। हालांकि यहाँ पे गेमिंग्स चलते हुए तो मुझे यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं देखने को मिल पा रहा है, यानी यहाँ पे ज़्यादा हाई ग्राफिक्स का गेमिंग्स नहीं, यहाँ पे नॉर्मल गेमिंग आप आराम से कर पाएंगे जिसमें आप टाइम पास आराम से कर पाएंगे। लेकिन इसमें आप अनलिमिटेड चाहेंगे या फिर 4-5 घंटा अगर प्ले करना चाहेंगे तो ये आप नहीं कर पाएंगे, ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है। लेकिन हाँ, आप 1-2 घंटा जो कि आप इसमें आराम से गेमिंग परफॉर्म कर पाएंगे वो भी नॉर्मल रेजोल्यूशन पे, हाई ग्राफिक्स पे आप इसमें नहीं कर पाएंगे। तो ये गेमिंग आपको प्रोवाइड कर दे रहा है, हालांकि ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, तो ये जो कि आपको गेमिंग दे दे रहा है वही बहुत बड़ी बात यहाँ पे चल सकता है, क्योंकि इसमें आप नॉर्मल ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग्स को यहाँ पे रन कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें इसमें वेट की, तो यहाँ जो इसका वेट है वो जो कि 1.6 kg का यहाँ पे वेट है, वो काफ़ी वेटलेस यहाँ पे लैपटॉप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 1.7 kg के अप्रॉक्स यहाँ पे पड़ रहा है, तो काफ़ी मतलब भारी लैपटॉप नहीं कर पाएंगे। और हम बात करें इसमें स्पीकर्स की, तो यहाँ पे जो इसका स्पीकर सपोर्ट है ना, वो जो कि अलेक्सा बिल्ड्स का यहाँ पे सपोर्ट है, यानी इसमें अलेक्सा भी है और इसमें ड्यूल स्पीकर प्रोवाइड किया गया है, तो इसमें आपको अलेक्सा का सपोर्ट मिल जाएगा। और HP कंपनी के जो भी आप न्यू न्यू लैपटॉप लॉन्च हो रहे हैं ना, उसमें आपको अलेक्सा का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो अलेक्सा एक काफ़ी अच्छा होता है, अलेक्सा जिसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर डुअल स्पीकर मिला है वो भी अलेक्सा सपोर्ट के साथ। और इसमें बात करें इसमें MS ऑफिस की, तो यहाँ पे हाँ इसमें MS ऑफिस दिया गया है, यानी 2019 का दिया है, लेटेस्ट वाला यहाँ पे MS ऑफिस नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑफिस मिल जा रहा है, जिससे कि आप ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप प्रेफर करें या फिर स्टूडेंट है, तो ये जो कि आपके लिए काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप हो सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स थे इस लैपटॉप के अंदर जो कि यहाँ पे आपको ये लैपटॉप आपको प्रोवाइड कर रहा है, और भी सारी चीज़ें हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसका प्राइस वगैरह क्या है ये सारी चीज़ें आप एग्जैक्ट आपको पता चल जाएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और अगर पसंद है तो उसको बाई भी कर सकते हैं वहाँ से जा कर के। लेकिन ओवरऑल बात करें इस लैपटॉप्स की, तो ये जो कि वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप हो सकते हैं अंडर 40,000 के रेंज में, क्योंकि इस रेंज के अंदर में ये सारे फीचर्स देखने को मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं अदर लैपटॉप्स में। तो ये जो कि लैपटॉप आपको HP प्रोवाइड कर रहा है, तो वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप हम इस लैपटॉप को कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रोसेसर भी काफ़ी लेटेस्ट वाला ही राइजन 3 का मिल रहा है, और 8GB रैम, 512GB SSD और प्लस और भी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अच्छा है, और इसमें अलेक्सा बिल्ड सपोर्ट भी दे रहा है, तो वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप कह सकते हैं अंडर 40,000 के रेंज में। तो अगर आप इस लैपटॉप को बाय करते हैं 40,000 तक के रेंज में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट हो सकते हैं। तो गाइस बाकी इस वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर भी इस लैपटॉप के रिगार्डिंग आपके पास कोई ऐसे क्वेरीज रह गए होंगे जो आपको पास हो और जो मैंने नहीं बता पाया होंगे, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको इमीडिएटली देखने को मिल पाएगा, तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो इस लैपटॉप के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा इशू हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो उसका, जो कि मैं आपको रिप्लाई इमीडिएटली देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए गुड बाय।